हेलो फ्रेंड, मेरा नेम राहुल पटेल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, फेसबुक के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूजर नेम है राहुल पटेल आप ECA86, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप फेसबुक से किसी भी ऐप और वेबसाइट को लॉग इन होते हैं, उसके बाद उस वेबसाइट और ऐप को यूज करना छोड़ देते हैं, ऐसे में आपके फेसबुक पर एक्टिव रहता है। आपके फेसबुक पर जो ऐप और वेबसाइट लॉगिन किए रहते हैं वो दिखाई देता है, उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, आज की वीडियो में ही बात करेंगे। इस वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो को देख लेते हैं। आपको ओपन करना है फेसबुक ऐप को। मैं ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है 3 लाइन पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर देना, आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर देना। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐप एंड वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऐप को यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐप को फेसबुक से लॉगिन किया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सी मोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जितने ऐप और वेबसाइट को लॉगिन किए रहेंगे फेसबुक से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐप और वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इनको डिलीट करने के लिए आपके पास दो रीज़न है। दोस्तों, पहला रीज़न है दोस्तों, आप जो ऐप और वेबसाइट को यूज करते हैं तो दोस्तों उस पर एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं इन ऐप को यूज कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सेकेंड रीज़न है, अगर आप ऐप और वेबसाइट को यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपायर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हमारे फ़ोन में एक्सपायर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसे कैसे डिलीट करना है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। मैं एक्सपायर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, आपको रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपके सामने दो फीचर दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर क्लिक कर, उसके बाद आपको रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐप डिलीट हो जाएगा और वेबसाइट ऐप डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। दोस्तों, ऐसे ही करके आप सभी ऐप और वेबसाइट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।